हाँ दोस्तों, मैं मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे इस ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ रूट ब्रिज, एंड उससे पहले मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज में और भी सुंदर सुंदर जगह पे। हाय दोस्तों, मैं हूँ मनीष एंड बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज में। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं। These mortals have awakened the gods of old. We rise from our slumber. दोस्तों, ये है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। आप इनके घर देख सकते हैं, हमसे थोड़े अलग ही हैं। और यहाँ के रोड भी आप देखिए, ये एक गांव है छोटा सा जो बहुत ही क्लीन है। और यहाँ पर बहुत सारे दुकान हैं, लोग बिजनेस करते हैं क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। और आप यहाँ का रोड देख सकते हैं कितना क्लीन है। जो भी थोड़ी बहुत गंदगी आपको मिलेगी वो मेरे हिसाब से टूरिस्ट आके ही करते हैं। और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, और ये बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। क्यूट से बच्ची के साथ मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पहले तो कतराया, फिर मेरा दोस्त बन ही गया। फिर मैं बाय बाय बोल के आगे बढ़ गया, लेकिन दुकान में जाके मुझे दिखा कि यही क्यूट बच्ची का पुतला है। मुझे तो इसी की तरह ही लगा। लेकिन आप देखिए, ये हैंडमेड चीज़ें जो इन्हीं में से मैंने भी एक लिया है। आई होप आप लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आगे इस वीडियो को देखते रहे। अच्छा लगा मुझे देख के, यहाँ पर बहुत क्लीन है, बट जगह जगह पे दुकान लगा हुआ है चीजें बिकने के लिए। आप देख सकते हैं इधर, और बाकी कुछ मुझे समझ नहीं आया इतना। क्योंकि मैं नौगांव में रहता हूँ, आसाम के नौगांव में, उधर भी बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पर बहुत बहुत क्लीन है, लोग ऐसे सफा दिखते हैं। आप इन लोगों का घर देख सकते हैं, अच्छा लगा। लेकिन आई होप आप लोगों को एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन अभी हम लोग जाने वाले हैं रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज जाने से पहले मैं आप लोगों को और भी दो सुंदर सुंदर प्लेस दिखाने वाला हूँ। तो क्या आप लोग रेडी है? चलिए हम लोग देखते हैं। रुको रुको, अभी देखोगे, अभी देखोगे, रुको। अंदर भी दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा झरना है, और ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर। ये सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा ये यहाँ पर आकर। मैंने तो मौके का फायदा उठा लिया, और इतने खूबसूरत जगह पे मैंने एक डांस वीडियो शूट कर लिया। मैं एक डांसर हूँ इसीलिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है दूसरा जगह जो है स्काई व्यू पॉइंट। आप देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे, मैं तो क्या बताऊँ, और इतना ज़्यादा खुश हुआ यहाँ पर आके। इसका ऊँचाई उफ क्या बोलूँ मैं, यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं मैंने कभी ऐसा नज़ारा नहीं दिखा। और जो हवा यहाँ से बहता है वो दिल को छू जाता है, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ यहाँ जाके। आप यहाँ का एक बार व्यू देखिए मेरे साथ आके।
मुझे पता है आप लोगों को ये सुंदर सी जगह बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हम लोग अभी जा रहे हैं रूट ब्रिज, तो चलिए और इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। दोस्तों हम आ गए हैं रूट ब्रिज, थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले और यहाँ का सीढ़िया आप मत बोलो, आप नीचे उतरते उतरते थक जाएंगे, आपके पैर दुख जाएंगे। सच में थोड़ा हिम्मत लेके तभी जाना, उतरने में इतना आपको फटेगी तो आपको चढ़ने में क्या होगा आप एक बार सोच लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए आपको कम से कम 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और चलिए हम लोग देखते हैं रूट ब्रिज। ये है दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज, जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ और वहाँ पर एक आदमी बैठा रहता है। आपको यहाँ पर रुक के कुछ भी करने की परमिशन नहीं देगा, आपको चल के सीधा चले जाना पड़ेगा। ये रूट ब्रिज है माइलुंगनोंग नाम के जगह पे, जो है शिलोंग में, मेरे घर से करीब 260 किलोमीटर दूर। अगर आप पैदल जाएंगे मेरे घर से तो करीब आपको 2 दिन लगेंगे, अगर आप कार पे जाएंगे करीब 40 की स्पीड में तो आपको कम से कम 6-7 घंटे में आप तो पहुंच ही जाएंगे। ये अपने आप में ही बहुत ही अनोखा है देखने में। ये है दोस्तों रूट ब्रिज के आसपास के हिस्से, जो बहुत ही अमेजिंग है। बहता हुआ पानी और ग्रीन ग्रीन पत्थर और चारों ओर खाली ग्रीन ही ग्रीन, इतना ऑसम फीलिंग है मैं क्या बताऊं। लेकिन बहुत ही हार्ड है इधर चलना, लेकिन वीडियो के लिए इतना तो बनता ही है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा और एक चैनल है मनीष दत्ता बोल के, वो उस चैनल को भी आप देख ही लीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप दूसरों की खुशी में अपना खुशी देखिए और ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहे। बाय बाय। ये ऐसा लगता है कि जैसे मोगली का शूटिंग जहाँ पर किया था, ऐसा कोई जगह लगता है कि अभी यहाँ से निकल के मोगली आएगा चड्डी पहन के। क्या बात है।